अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज हम पूरे दिन फॉलो करने वाले हैं द राइजिंग लेजेंड सैम सुलेक की डाइट को। बट द क्वेश्चन इज हु इज सैम सुलेक? ही इज अ बॉडी बिल्डर स्लैश फिटनेस इन्फ्लुएंसर, बेसिकली जो बहुत ही कम टाइम में ज्यादा पॉपुलैरिटी अचीव कर चुका है। सैम को ज्यादातर लोग उसकी इंसेन फिजिक और डाइट प्लान की वजह से जानते हैं और हम आज पूरे दिन उसकी डाइट प्लान को फॉलो करने वाले। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले हमें जाके सामान लेके आना पड़ेगा जो हम पूरे दिन में आज कंज्यूम करने वाले हैं। सो लेट्स गो। यो गाइस, आई एम रेडी। मयंक आ रहा है और हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। नेक्स्ट सीन सीधा होगा लोकेशन पर। लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि मैं यहां पे आया हूं और मैंने कब्जा कर लिया है फिट ब्रोस पर। अबे साले, हम लोग आ चुके हैं ग्रोसरी शॉप। किसी को कोई भी ग्रोसरी का आइटम लेना हो वो स्मार्ट भोपाल ईदगाह से ले सकता है। यहाँ पर हर आइटम अवेलेबल है। वैसे तो मैं दिन भर चैलेंज पूरा करूंगा। मयंक भाई हमारा फुल सपोर्ट करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं बेसिकली। सो लेट्स गेट इनटू द शॉप। चलो कुछ सामान तो ले लें, खरीदने पहले चलते हैं। लेडीज फर्स्ट। हर्षित निकाल ली पहले, क्या कहते हैं आप? मैं जब तक दूसरा आइटम पिक करता हूँ। चॉकलेट नहीं है, आलमंड में वैसे भी वो जाइंट है, हर कुछ खाता है। मैं भी पोको पॉइंट्स खा सकते हैं हम लोग। क्या बात है सर, ये भी सीरियस। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत मेरी बात सर, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग पूरी दुकान खरीद लेते हैं। भाई आइडिया तो अच्छा है। So let's get back to our home. ये है हमारा चॉकलेट मिल्क, 11 ऑफ देम, जिसमें हमें अराउंड 1900 कैलोरीज मिल जाएगी और 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन। आई हाईली रिकमेंड लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बिल्कुल भी ये डाइट ट्राई ना करें। डेंसिटी बहुत ज्यादा इसकी, मतलब आप सोचो 11 पीनट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। ये है हमारे पास 2 लीटर ऑफ मिल्क। स्टार्टिंग में तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी इसको पीने में, लेकिन जैसे जैसे मैं जितना टाइम गुजरता गया उसको पीता गया, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कितना वर्स होने वाला आज का दिन। ये हमने खत्म कर दिया है और हम नेक्स्ट मील थोड़ा सा रुके लेंगे बिकॉज़ आई एम फीलिंग लाइक अ शिट, कंप्लीट शिट। 2 आवर्स लेटर। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सेकंड मील, जो कि होने वाला है बोल ऑफ सीरियल एंड वी आर गोइंग टू ऐड सम मिल्क। ये सैम का प्री वर्कआउट मील है, इसमें 170 ग्राम ऑफ सीरियल्स लेता है सैम, ताकि 400 ग्राम कार्ब्स कंप्लीट कर सके अपना प्री वर्कआउट मील में। तो अब हम जल्दी से इसको खाते हैं और चलते हैं सीधा अपना वर्कआउट करने। ऐसे सच बोलूं तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा ये खाना, बिकॉज़ ऑलरेडी 2 घंटे का टाइम इंटरवल हो चुका है जो अपना लास्ट मील लिया था और इसका टेस्ट काफी अच्छा था। अभी मुझे इसको खा के ठीक लग रहा है, बट अभी ये मेरा प्री वर्कआउट मील हो गया और हम जा रहे हैं सीधे वर्कआउट करने। हम करेंगे कपड़े चेंज और मिलते हैं आपको सीधे जिम में। सो सैम हमेशा 50 ग्राम ऑफ कार्ब्स लेता है टू गेट अ गुड पंप, सो इसलिए हम यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक लेने आते हैं। इसे पीने के बाद हम चलते हैं इनटू ट्रांसफॉर्म, करते हैं हम अपना वर्कआउट शुरू। और जिन लोगों को वर्कआउट नहीं देखना वो स्किप कर सकते हैं, और जो सीखना चाहते हैं मुझसे तो वो बिल्कुल शौक से देख सकते हैं अपना वर्कआउट सेशन। सो लेट्स गेट इनटू द वर्कआउट। सैम भाई की हमेशा एक आदत है, वो हर वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट 30 मिनट का कार्डियो करते हैं, तो हम भी करेंगे थोड़ी देर कार्डियो, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उतना बड़ा मसल है नहीं, वो लॉस कर नहीं सकते। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। आज होने वाला है हमारा चेस्ट वर्कआउट एंड आई एम सीरियसली सो एक्साइटेड। वैसे तो आप लोगों को ये देख के लग रहा होगा कि मेरे औकात के बाहर निकल गया, बट ये मेरा लास्ट ट्रैप है ठीक है। मैं वर्कआउट में हमेशा वार्म अप के लिए कुछ अलग से एक्सरसाइजेस नहीं करता हूँ। मैं ऐड फॉर एग्जांपल मेरे चेस्ट प्रेस की एक्सरसाइज है, तो मैं पहले चेस्ट का लाइट वेट से वर्कआउट करूंगा, उसके बाद फिर मैं उसके हैवी पे चला जाता हूँ। तो मेरा वो बेसिकली वार्म अप ही होता है एक तरीके से। चेस्ट वर्कआउट की स्टार्टिंग कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लगाते हैं बेंच प्रेस, उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस, देन हम लगाते हैं इंक्लाइन बारबल प्रेस, फिर चेस्ट प्रेस मशीन लगाने के बाद हम लगाते हैं केबल क्रॉस। केबल क्रॉस लगाते ही डिक्लाइन बेंच प्रेस, एंड फिनिशर्स के लिए आई प्रेफर पुलओवर डंबल प्रेस, बीच में थोड़ी सी पोजिंग, एंड फाइनल क्लोजिंग विद डबल बार, एंड लास्ट में थोड़ी देर के लिए कार्डियो करके करते हैं हम अपना वर्कआउट खत्म। वर्कआउट खत्म, और अब मैं लूंगा प्रोटीन अपना। प्रोटीन के बाद होगा हमारा पोस्ट वर्कआउट मील। अभी मैं फिलहाल घर जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और मिलता हूँ सीधे आपसे पोस्ट वर्कआउट मील में। अब बारी है हमारे मील 4 की, जो कि होने वाला है 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। बेसिकली ये मील 5 के लिए एक पाथ है, आप मील 4 भी कंसीडर कर सकते हो या मील 5 के, आपके ऊपर है। अब बारी है पोस्ट वर्कआउट मील की। प्रेजेंटिंग मरबा फॉर यू गाइस, जहां पर आप जाके खाने को तो एंजॉय करोगे ही करोगे, प्लस यहां की वाइब एंड एम्बियंस की बात ही अलग है। आ चुके हैं फाइनली गाइस भोपाल की सबसे फेमस शॉप पे, क्योंकि हम KFC जैसी जगहों पे, मैकडॉनल्ड जैसी जगहों पे जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। हमारी अपनी शॉप मराबा आ चुके हैं और हमारे पास जो आइटम है इस टाइम, यहाँ पर चीज़ पास्ता होने वाला है, चीज़ बर्गर होने वाला है,
बोनलेस है एंड मराबा का फेमस पिज्जा। मैं भी यहाँ पर खाना शुरू ही किया था तो मेरे दिमाग में एकदम से एक बात स्ट्राइक करी कि यार कभी कभार आपको खुद को भी टाइम देना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको खुद अपने टाइम को एंजॉय करना चाहिए जितना ज्यादा कर सकते हो आप। देखा जाए तो सैम की जो वीडियोज है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। सो दैट इज द रीजन आई लव दिस गाय। गाइस वेलकम टू लास्ट मील। अब ये दिन का लास्ट मील होने वाला है। ये पहला ऐसा डेजर्ट होने वाला है जिसमें हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा बिकॉज इतना ज्यादा खाने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को भी मजा आ सकता है, या शायद मैं ही ऐसा एक्सेप्शनल केस हूँ। कभी ट्राई करना 24 आवर्स ब्रूटल डाइट चैलेंज, उसके बाद पता लगेगा तुम लोग को। तो अभी देखो हमारा टाइम है डोनट सीट करने का। ये मील जो है हमारा दिन का लास्ट मील होगा, उसमें आप 2 ग्लास दूध पीने वाले हैं। यहाँ पर कहीं डोनट सी बहुत अच्छी शॉप दिख नहीं रही थी तो मैंने मुझे देखा ये डोनट केक, तो हम उठा के इसको लेके आ गए और बॉक्सिंग करते हैं। लेट्स गो। इसके साथ होगा 2 ग्लास दूध। 2 ग्लास दूध जल्दी से यहाँ पर आओ। तो ये आ गया हमारा 2 ग्लास दूध और ये होने वाला है हमारे साथ। ऑलरेडी मेरा पेट ब्लास्ट हो जाएगा ऐसी फीलिंग थी, बट अब इसे खाने के बाद तो क्या हालत है आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। तो ये रहा मेरा सारे डोनट्स का लास्ट बाइट, तो खत्म करते हैं। पूरे 24 घंटे की डाइट फॉलो करने के बाद मैं सिंपल से कंक्लूजन पे आया हूँ कि डाइट कम्प्लीटली बुलशिट है। देखो मुझे बिल्कुल भी गलत समझने की जरूरत नहीं है, सैम को मैं भी पसंद करता हूँ, बट प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल भी हेल्थी नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज सैम को सूट करे आपको भी करेगी। इन दी एंड मैं आपसे यही बोलूंगा कि ऐसी डाइट को फॉलो करिए जो आपके लिए सूटेबल हो, ना कि सैम के लिए। सो दैट्स अ रैप अप फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू गाइस।